Alochana. Today we are going to do a new chapter from the book Footprints Without Feet, class 10th. The name of the story is The Thief's Story. I was still a thief when I met Anil. मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला था. And though only 15, मैं केवल 15 साल का था. I was an experienced and fairly successful hand. मैं बहुत ही माहिर था अपने काम में. Anil was watching a wrestling match when I approached him. जिस समय मैं अनिल से मिला वो wrestling match, कुश्ती का मैच देख रहा था. He was about 25, a tall lean fellow. वो लगभग 25 साल का एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था. And he looked easy looking. और वो एक सामान्य सा व्यक्ति दिख रहा था. Kind and simple in a former purpose. सरल था और मेरे काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति था. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. मुझे अभी तक बहुत सफलता नहीं मिली थी पिछले दिनों और मुझे लगा मैं इस व्यक्ति का विश्वास जल्दी ही जीत लूँगा. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो मैंने अनिल से कहा कि तुम थोड़े से रेसलर तुम भी लगते हो और ये थोड़ी चापलूसी कभी कभी आपकी दोस्ती बनाने में बहुत ही लाभदायक होती. So do you, he replied. उसने कहा तुम भी रेसलर लग रहे हो. Which put me off for a moment, जिसने मेरा थोड़ा सा मुझे विचलित कर दिया. Because at that time I was rather thin, क्योंकि उस समय बहुत दुबला पतला था और मैं तो रेसलर लग ही नहीं सकता था. Well, I said modestly, फिर भी मैंने विनम्रता से कहा I do wrestle a bit, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ. What's your name, तुम्हारा क्या नाम है. हरी सिंह, I lied, हरी सिंह, मैंने झूठ बोल दिया उससे. I took a new name every month, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ. That kept me ahead of the police and my former employer, वो मुझे पुलिस से मेरा नया नाम, क्योंकि मेरा हर महीने नया नाम लेता तो कोई मुझे जानता नहीं. मैं पुलिस से और अपने पुराने यार दोस्तों से या जिनके साथ मैं काम करता था उनसे दूर रहता हूँ. आफ्टर द इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग. थोड़े इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने उन लोगों की बातचीत स्टार्ट कर दी, बात करना शुरू किया जो रेसलिंग कर रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, जिनका शरीर तेल से भीगा हुआ था, जो गरज रहे थे, एक दूसरे उठा के पटक रहे थे. I did not have much to say. मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना था. Anil walked away and I followed casually. Anil चला गया और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा. उस समय मैंने I thought that over for a minute. उस समय मैंने थोड़ी देर सोचा. I perhaps had misjudged a man. शायद मैंने गलत व्यक्ति की पहचान कर ली. I asked, can you feed me? मैंने अनिल से पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. Can you cook? क्या तुम खाना बना सकते हो. अनिल ने जवाब दिया आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर झूठ बोला हाँ मैं खाना बना लेता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना बना लेते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी. वो मुझे अपने घर पर ले गया जो एक जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर था और उसने मुझे छज्जे में सोने की इजाज़त दे दी. बट द मील आई कुक That might have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन जो खाना मैंने बनाया वो खाना शायद बहुत ही बुरा बना होगा क्योंकि अनिल ने वो खाना एक सड़क के कुत्ते को दे दिया और मुझे वहाँ से भाग जाना होगा. But I just hung around. लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा था. Smiling in my most appealing way. मुस्कराता रहा मैं अपने सबसे appealing way में किसी को आकर्षित करने वाली. And could not help laughing. और इससे अनिल भी हंसने लगा. लेटर ही पैटेड ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक. उसने बात उसके सर पे थपथपाया और कहा कि चलो कोई बात नहीं. उसने आगे उसको खाना बनाना उसने कहा मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर्स. उसने बहुत ही जल्दी इसको इसका नाम लिखना सिखाया और ये भी कहा कि वो उसको पूरे पूरे वाक्य बनाना सिखा देगा और नंबर्स को ऐड करना गिनती भी सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैंने मीन्स जो नरेटर है वो उसका बड़ा एहसानमंद था.
I knew that once I could write and like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. इसको मालूम था अगर एक बार ये लिखना सीख गया तो पढ़ा लिखा बन गया तो इसके लिए बहुत कुछ करा, वो बहुत कुछ कर सकता जीवन में. It was quite pleasant working for Anil. और ये अनिल के लिए वर्क करना इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply, usually making a profit about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind it. मैं उसके लिए सुबह की चाय बनाता था और फिर मैं अपना दैनिक ज़रूरतों के लिए ख़रीदारी के लिए बाहर निकल जाता था. मैं अक्सर उसमें से एक रुपये बचा लेता था. मुझे लगता है अनिल को पता था कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन कभी भी उसने इस बात का बुरा नहीं माना. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट. अनिल की आय अनियमित थी. ही वुड बोरो वन वीक लेंड द नेक्स्ट. एक हफ्ते वो किसी से पैसे मांग लेता था, अगले हफ्ते उसको चुका देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. वो हमेशा परेशान रहता था जो उसका चेक, जो उसका अमाउंट, जो उसका पैसा आने वाला होता था, और फिर वो उसको पैसा मिलते ही वो पैसे को तुरंत उड़ा देता था अपने दोस्त यारों में. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसे लगता था वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है, लेखक है, और ये एक बहुत ही आजीविका चलाने के लिए बहुत ही अद्भुत तरीका था. वन इन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल नोट सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एक शाम को वो अब कुछ नोटों की गड्डी लेके घर आया. उसने कहा उसने कुछ किताबें पब्लिशर को बेची हैं. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. उस रात मैंने देखा उसने पैसा अपने गद्दे के नीचे रख लिया. ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. अब तक मैं अनिल के साथ एक महीने तक काम कर चुका था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. और जो मैं एक दो रुपए बचा लेता था उसके सामान लाने के लिए, इसके अतिरिक्त मैंने उसका अभी तक चोरी करने का कोई भी काम नहीं किया था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. मेरे पास बहुत मौके आए थे ऐसे जो मैं चोरी कर सकता था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने अपने दरवाजे की चाबी मुझे दे दी थी. आई कुड कम एंड गो सो हैप्पी. मैं जब भी मन होता था आ जाता था, जब मन होता था चला जाता था. मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. वो जितने लोगों से मैं अब तक मिला था, सबसे ज़्यादा विश्वास अनिल ही मुझ पर करता था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हिम. इसीलिए अनिल का इतना विश्वास था मुझ पर, इसीलिए उससे चोरी करना मेरे लिए कठिन हो रहा था. जब आप पे कोई बहुत विश्वास करता तो आप उसको धोखा नहीं दे पाते. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. एक लालची आदमी से चोरी करना आसान है. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब. क्योंकि वो चोरी उससे आप पैसा कर भी लेंगे तो वो स्वीकार कर लेगा, वो अफोर्ड कर सकता उसको. बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन समटाइम. इट डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. जो आदमी बहुत ही केयरलेस हो, बहुत ही अपनी बातों पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान ना देने वाला हो, लापरवाह हो, उसको उससे चोरी करने में कोई मज़ा नहीं है. फिर आपकी कला सामने नहीं आ पाती कि चोर, मतलब कि चोर भी चाहते हैं उनकी कला का को लोग प्रशंसा करें. वेल इट्स टाइम आई हैड डिड सम रियल वर्क. आई टोल्ड मायसेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. अब बहुत समय हो गया था मैंने कोई सही कार्य नहीं किया था चोरी का. मुझे लग रहा था मैं इस कार्य से दूर होता जा रहा हूँ. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड. मुझे लगता था मैंने अनिल के पास से पैसा नहीं लिया तो अपना सारा पैसा अपने दोस्तों को उड़ा देगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. और वो मुझे पैसा भी तो नहीं देता. अनिल वॉज अस्लीप. अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप ओवर द बैल्कनी एंड ऑल ऑन द बेड. अनिल सो रहा था, चांद की रोशनी पूरी छज्जे में और उसके बेड तक पड़ी हुई थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं जमीन से उठा. कंसिडरिंग द सिचुएशन और हालात का जायज़ा लिया. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं 10:30 की ट्रेन पकड़ सकता हूँ जो कि लखनऊ जाती है. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. मैं अपने ब्लैंकेट अपने कंबल से निकला. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैं उसके बेड तक आया, उसके पलंग तक आया.
Anil was sleeping peacefully. Anil बहुत ही आराम से सो रहा था. His face was clear and unlined. उसका चेहरा बिल्कुल साफ था. उस पर कोई लकीरें नहीं थी. I had more marks on my face. जबकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे निशान थे. निशान क्या? घाव के निशान थे. My hand slid under the mattress. मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला. Searching for the notes. नोटों की गड्डी को ढूंढने के लिए. When I found them, जब मुझे वो मिले, I drew them out without a sound. मैंने उनको बिना आवाज़ किए बाहर निकाल लिए. Anil sighed in his sleep. अनिल ने अपनी नींद में आह भरी. And turned on his side. और उसने करवट ले ली. Towards me, मेरी तरफ. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं एकदम से घबरा गया, चौंक गया और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया. When I was on the road, जब मैं रोड पे आया, सड़क पे आया, I began to run. मैं दौड़ने लगा. I had the notes at my waist. मैंने मेरे जो नोटो गड्डी मैंने चोरी की थी वो मेरे कमर में बंधे हुए थे. Held there by the string of my pajama, जो कि मेरे पैजामे के नाड़े से बंधे हुए थे. I slowed down to walk and counted the notes. मैं थोड़ी देर के रुका, नोट निकाले, उन्हें गिना. 600 rupees and 50. वो पूरे 600 रुपये थे, 50-50 के नोट. I could live like an old rich Arab for a week or two. मैं तेल के अरब व्यापारी की तरह एक या दो हफ्ते तक बहुत ही आराम से, बहुत ही आरामदायक और शानदार जीवन जी सकता था. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं रेलवे स्टेशन में पहुंचा, तो मैं रुका नहीं टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था. But dashed straight to the platform. और सीधे प्लेटफॉर्म पर जा पहुँचा. The Lucknow Express was just moving out. Lucknow Express मेरे सामने से ही जा रही थी. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason. I can't explain and I lost the chance to get away. अभी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी. मैं ट्रेन को पकड़ सकता था और किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं झिझका. कुछ क्या कारण था मुझे नहीं पता, और मैं ट्रेन में चढ़ने का मौका मैंने गंवा दिया. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने अपने आप को अकेला प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ पाया. I had no idea where to spend the night. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं रात कहाँ गुजारूंगा. I had no friends. मेरे कोई दोस्त नहीं थे. Believing that friends are more trouble than help. और मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि दोस्त आपके लिए हमेशा परेशानी लाते हैं, मदद नहीं लाते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं किसी को भी इतना जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था. नहीं चाहता था किसी को शक हो कि मैं रेलवे स्टेशन के पास मुझे छोटे छोटे होटल हैं अगर वहाँ रुकता हूँ. The only person I knew really well was the man I had robbed. और जिस व्यक्ति को मैं ठीक से जानता था वो वही व्यक्ति था जिसके पास से मैंने चोरी की थी, यानी कि अनिल. I walked slowly through the bazaar. और मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अभी तक मेरा बहुत ही छोटा सा समय रहा, पीरियड रहा एक चोर की तरीके, और मैंने लोगों के चेहरों को अच्छी तरह से पढ़ा. The greedy man showed fear. जो लालची आदमी होता है उसके चेहरे पर भय होता है. The rich man showed anger. जो अमीर आदमी होता है उसके चेहरे पर गुस्सा, नाराजगी होती है. The poor man showed acceptance. जो गरीब आदमी होता है उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. लेकिन मुझे मालूम था जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसके पास से रुपए चोरी किए हैं तो वो कुछ नहीं केवल दुखी ही होगा. Not for the loss of money, but for the loss of trust. पैसे के जाने का उसको गम नहीं होगा, लेकिन जो उसने विश्वास मुझ पे किया वो विश्वास टूट जाने का उसको दुख होगा. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं मैदान में पहुंचा और एक बेंच पे बैठ गया. The night was chilly. रात बहुत ठंडी थी. It was early November and little drizzle added to my discomfort. वो नवंबर माह की शुरुआत थी. हल्की बारिश ने मेरी परेशानियां और बढ़ा दी. Soon it was raining quite heavily. और बहुत ही जल्दी बहुत तेजी से पानी बरसने लगा. My shirt and pajama stuck to my skin and a cold wind blew
द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरा पैजामा और मेरी कमीज मेरे बदन से चिपक गई थी, ठंडी हवा मेरे शरीर में अंदर जाने लगी थी। I went to the bazaar, sat down in the shelter of a clock tower. मैं वापस बाजार की तरफ गया और घंटाघर की बिल्डिंग के नीचे बैठ गया। The clock showed midnight. घड़ी घंटाघर की घड़ी दिखा रही थी कि आधी रात हो चुकी। I fell for the notes. मैंने नोट को फिर देखा। They were damp from the rain. वो बारिश के कारण गीले हो गए थे। Anil's money in the morning. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. Anil का पैसा था और वो मुझे सुबह ज़रूर ही 2 या 3 रुपये देता कि मैं जाके सिनेमा देख लूँ। But now I had it all. लेकिन अब मेरे पास सारे पैसे थे, मुझे अनिल से मांगने की ज़रूरत नहीं थी। I could not cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब मुझे बाजार जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही मुझे अब पूरे सेंटेंसेस पढ़ने की ज़रूरत थी। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की खुशी में ये भूल गया था कि अब मेरी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाएगी। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, मुझे मालूम था अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं प्रतिदिन 100 से ज़्यादा रुपये कमा सकता हूँ। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना और पकड़ जाना बहुत आसान था। But to be really big man, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, a clever and respected man, विद्वान और आदरणीय व्यक्ति बनना शायद चौड़ था। I could go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मुझे लगा मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए, केवल पढ़ना लिखना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, for it was much easier to steal something than to return it undetected. मैं उसके रूम में पहुंचा, मैं बहुत नर्वस था, किसी से चोरी करना और फिर बिना पकड़े जाके वो चीज़ वापस रख देना बहुत मुश्किल काम था। I opened the door quietly then stood in the door. मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और दरवाजे पे खड़ा हो गया। In clouded moonlight, अंदर चांद की किरणें फैली हुई थी। अनिल वॉज स्टिल असली, अनिल अब भी सो रहा था। अक्रेट टू द हीट ऑफ द बेड, अक्रेट टू द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट। मैं अनिल के पलंग के पास पहुंचा और अपनी जेब से रुपए निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मुझे उसके सांस अपने हाथ पे महसूस हो रहे थे, गर्म सांस। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ देर के लिए वहाँ खड़ा रहा। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the note. फिर मैंने हाथ अपना गद्दे के नीचे डाला और पैसे वहाँ रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठा लेकिन मैंने पाया कि अनिल चाय बना चुका है। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उस हाथ में एक 50 रुपये का नोट था। My heart sank. मेरा दिल डूबने लगा। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। I made some money yesterday, explained. Now you will pay regularly. मैंने कुछ पैसे कल बनाए थे, कमाए थे, अब मैं तुम्हें रोज पैसे दूंगा, अनिल ने मुझसे कहा। My spirits rose. मेरा उत्साह बढ़ गया। But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. जब मैंने पैसे लिए तो मुझे लगा कि वो नोट अब भी गीला है रात की बारिश। Today we will be starting राइटिंग सेंटेंसेज, ही सर आज हम लोग वाक्य बनाना सीखेंगे। ही न्यू, उसको सब पता था। बट नीदर इज लिप्स नॉट इज आई श्योर एनीथिंग, ना उसकी उसने अपने मुंह से कुछ बोला ना उसकी आंखों ने कोई ऐसा संकेत दिया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ देखे फिर मैं अनिल की तरफ देखे फिर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बैक इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अनिल ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा। तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस लेसन चिल्ड्रन, हम लोग को इस पाठ से क्या पता चलता है? इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक अ ट्रस्ट ऑफ अ मैन हु हैव फेथ ऑन यू, जिस जो व्यक्ति आप पे बहुत विश्वास करता है उसके विश्वास को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू।